जानते हैं इन लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स को, जिनको कि फ्राइड के द्वारा इरोस और थैनेटोस के रूप में भी संबोधित किया गया। इरोस और थैनेटोस दो ग्रीक मेथोडोलॉजी से लिए गए नाम है, जिसमें से पहला नाम इरोस ग्रीक मेथोडोलॉजी के अंदर जीवन के देवता इरोस से को संबोधित करता है और थैनेटोस मृत्यु के देवता को संबोधित करता है। तो ये लाइफ और डेथ इंस्टिंक्ट्स क्या है? सिगमंड फ्राइड के द्वारा मानवीय व्यवहार को समझाते हुए इंस्टिंक्ट्स के रोल पर बहुत ज्यादा महत्व दिया गया। उनके द्वारा यह बताया गया कि मानवीय व्यवहार बेसिक इंस्टिंक्ट से संचालित होता है और ये दो प्रकार की होती हैं। लाइफ इंस्टिंक्ट, जो कि जीवन में रचनात्मकता, सकारात्मकता और संरचना यानी कि क्रिएशन को सपोर्ट करता है। लाइफ इंस्टिंक्ट के होने पर व्यक्ति क्रिएटिव होता है, चीजों की रचनाएं करता है, उनका डेवलपमेंट करता है। लाइफ इंस्टिंक्ट को ही लिबिडो एनर्जी के तौर पर भी इन्होंने संबोधित किया, जिसको आगे सेक्सुअल एनर्जी के तौर पर डिस्क्राइब किया और पर्सनालिटी के अपनी थ्योरी में एक बहुत बड़ा रोल दिया। सिगमंड फ्राइड का यह मानना था कि हमारे जीवन में जितनी भी रचनात्मकताएं हैं, मनुष्य अपनी सभ्यता के में, संस्कृति में जितने भी उसने रचनात्मक कार्य किए हैं, जितनी भी उसने क्रिएशंस की हैं, चाहे वो लिटरेचर के फील्ड में हो, चाहे आर्किटेक्चर के फील्ड में हो या दूसरे लाइफस्टाइल से रिलेटेड डोमेन्स में हो, वे सभी इसी लाइफ इंस्टिंक्ट से प्रेरित होते हैं। डेथ इंस्टिंक्ट के अंतर्गत फ्राइड ने यह बताने का प्रयास किया कि इसी प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार का जो दूसरा पहलू है वो डिस्ट्रक्शन का है, जो कि डेथ इंस्टिंक्ट से प्रेरित होता है। इसके प्रभाव में आकर के हर प्रकार का डिस्ट्रक्टिव वर्क, व्यवहार में आने वाला एग्रेशन, चीजों के प्रति आने वाला नकारात्मक रवैया, ये सभी इसी डेथ इंस्टिंक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए अब जानते हैं एंजाइटी और ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में। सिगमंड फ्राइड ने इड ईगो और सुपर ईगो के बीच में हार्मोनियस रिलेशन यानी कि सौहार्दपूर्ण संबंध ना होने पर एंजाइटी के उत्पन्न होने की बात कही। इनका यह मानना था कि जब ये तीनों ही कंपोनेंट्स आपस में बैलेंस को नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तब विभिन्न प्रकार के एंजाइटीज डेवलप होती हैं। ये एंजाइटीज तीन प्रकार की होती हैं: ऑब्जेक्टिव एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी और मॉरल एंजाइटी। ऑब्जेक्टिव एंजाइटी के अंतर्गत उस प्रकार की एंजाइटी यानी कि हिंदी में जिसे हम दुश्चिंता कहते हैं आती है, जहां पर कि व्यक्ति भौतिक रूप से किसी वस्तु से अपने अस्तित्व के ऊपर खतरा महसूस करता है, जैसे कि किसी जानवर या किसी व्यक्ति या किसी परिस्थिति में अपने जीवन के ऊपर खतरा महसूस करना। ऐसी स्थिति पर ऑब्जेक्टिव एंजाइटी डेवलप होती है। न्यूरोटिक एंजाइटी के अंतर्गत फ्राइड ने बताया कि जब इड ईगो को अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए प्रेशराइज करता है और ईगो के द्वारा इड के ऊपर अपना नियंत्रण समाप्त हो रहा होता है, यानी कि ईगो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है जहां पर कि इड के डिजायर्स को उसको फुलफिल करना ही पड़ता है, भले ही वो अनैतिक हो या असामाजिक हो, तो ऐसी स्थिति में न्यूरोटिक एंजाइटी का डेवलपमेंट होता है। तीसरा, मॉरल एंजाइटी तब डेवलप होता है जब ईगो के द्वारा इड के विशेष को फुलफिल करने के लिए, उसकी डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए नैतिकता या सामाजिकता के नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। तब सुपर ईगो के द्वारा इड को ऐसा करने पर गिल्ट को फेस करने के परिणाम को सामने रख दिया जाता है, जहां पर कि मॉरल एंजाइटी का डेवलपमेंट होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि मॉरल एंजाइटी के प्रेशर में ईगो इड के ऊपर से अपना संतुलन ना खोते हुए उन कार्यों को नहीं करे जो कि सामाजिक और नैतिक नियमों के विपरीत है। सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिए गए कॉन्सेप्ट ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के। फ्राइड के द्वारा यह बताया गया कि किसी भी प्रकार की एंजाइटी के डेवलप होने पर एक बहुत ही अनकंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड पैदा हो जाती है, जिससे मुक्त होना ईगो के लिए एक चैलेंज होता है। यहां पर ऑब्जेक्टिव एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए ईगो फिजिकल एनवायरमेंट में इफेक्टिवली डील करने का प्रयास करता है, जबकि न्यूरोटिक और मॉरल एंजाइटी को डील करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए जो ईगो का तरीका होता है उनके साथ डील करने का, उसके अंतर्गत वो यूज करता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का। इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि वो मैकेनिज्म जो कि ईगो के द्वारा डिफेंस के लिए यूज किया जाता है,
और ये डिफेंस किस चीज से है, ये डिफेंस है सुपर ईगो के द्वारा डेवलप करे जाने वाली गिल्ट की फीलिंग से। तो आइए देखते हैं ये क्या क्या है। सबसे पहले इसमें आता है रिप्रेशन, ऐसी कोई भी डिजायर्स जो इट के द्वारा ईगो के सामने रखी जाती हैं, जो कि मॉरली सोशली बिहेवियर वाइज फुलफिल नहीं की जा सकती, सही नहीं है, ऐसी डिजायर्स को सप्रेस कर दिया जाता है और ये सप्रेशन हमारे अनकॉन्शियस में जाकर के सेव हो जाता है। अब ये जो सप्रेस्ड डिजायर्स हैं, इनको व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो ड्रीम्स के थ्रू होता है। तो ये एक तरीका है डिफेंस मैकेनिज्म का, जहां पर ईगो इड और सुपर ईगो के दबाव के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। दूसरा इसमें तरीका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट का, ऐसी डिजायर्स जिनको कि सामाजिक रूप से व्यवहारिक रूप से व्यक्त नहीं किया जा सकता, सिगमंड फ्राइड के द्वारा इसके अंतर्गत ज्यादातर सेक्सुअल डिजायर्स और अर्ज को लाया गया था। तो ऐसी जो इच्छाएं होती हैं इनको किसी और चीज के साथ डिस्प्लेस कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, जो कि नॉन सेक्सुअल होती हैं। इस प्रकार से उन इच्छाओं की पूर्ति ना कर पाने के कारण डेवलप हो रही एंजाइटी को डील करने का प्रयास ईगो के द्वारा किया जाता है। अगला जो तरीका है वो इसी से जुड़ा हुआ है। जब ईगो के द्वारा इन इच्छाओं को पूर्ति ना किए जाने के लिए और उस एंजाइटी से बचने के लिए डिस्प्लेस कर दिया जाता है, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जिन नॉन सेक्सुअल एक्टिविटीज के थ्रू ये डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को कहा जाता है सब्लिमेशन। जैसे मान लीजिए अपने अंदर उठने वाले, फ्राइड के अनुसार ये कहा गया कि व्यक्ति अपने अंदर उठने वाले सेक्सुअल डिजायर्स को सामाजिक या व्यवहारिक रूप से व्यक्त नहीं कर सकता नैतिकता के दबाव में, तो ऐसी स्थिति में पोएट्री के माध्यम से, कला के माध्यम से वो उन भावों की अभिव्यक्ति करने का प्रयास करता है, यानी एक ऐसे माध्यम से जो कि सामाजिक व्यवहारिक रूप में स्वीकार्य है। इसी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा गया है। इसके अलावा कई बार ऐसी स्थिति आने पर जहां पर कि ईगो को गिल्ट का सामना करना पड़ सकता है, जो कि मॉरल एंजाइटी के अंतर्गत आता है, तो उस मॉरल एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए, उस गिल्ट से बचने के लिए ईगो के द्वारा प्रोजेक्शन की टेक्निक का उपयोग किया जाता है। प्रोजेक्शन की टेक्निक के अंतर्गत यह आता है कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए किसी कार्य, किसी गलती के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को जिम्मेदार ठहरा देता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि हम अपने दैनिक जीवन में इस ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का कितना ज्यादा उपयोग करते हैं। दूसरा इसमें है रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन के अंतर्गत अपने द्वारा किए गए किसी भी ऐसे कार्य जो कि सही नहीं था और जिसके किए जाने पर मॉरल एंजाइटी के डेवलप होने की स्कोप बनता है, ईगो के द्वारा लॉजिकली और रीजनिंग के माध्यम से, भले ही वो गलती क्यों ना हो, उस चीज को सही ठहराने का या किसी और रूप में व्यक्त करने का प्रयास किया जाता है। एक बहुत फेमस जो एग्जांपल यहां पर दिया जाता है वो ये है कि लोमड़ी के द्वारा अंगूर खुद खा लेने का दावा करने के बावजूद भी अंगूर को ना तोड़ पाने पर यह कहना कि मैं अंगूर इसलिए नहीं खाने का प्रयास कर रही हूं या इसलिए मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये खट्टे हैं, जबकि असलियत यह है कि वो उन्हें नहीं तोड़ पा रही है। ये रेशनलाइजेशन का एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में, जैसे मान लीजिए आप किसी चीज को पाना चाहते हैं लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत या जो लगन है उससे आप डरते हैं और उस चीज को नहीं करना चाहते क्योंकि आपको जो असुविधा झेलनी पड़ेगी वो आप नहीं झेलना चाहते। ऐसी स्थिति में जब आप ये कहते हैं कि मैं इसे इसलिए नहीं पाना चाहता क्योंकि मेरे लिए इस चीज का कोई वैल्यू नहीं है, तो आप रेशनलाइजेशन का उपयोग कर रहे हैं। अंतिम इसमें है रिएक्शन फॉर्मेशन, जिसके अंतर्गत ऐसी चीज जिसको व्यक्ति के द्वारा किया गया है जो कि सामाजिक और व्यवहारिक रूप से प्रकट नहीं की जा सकती, स्वीकार नहीं की जा सकती, गलत है, तो इस मॉरल एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए उसके ठीक विपरीत अपने व्यवहार को रिफ्लेक्ट किया जाता है या प्रेजेंट किया जाता है। जैसे चोरी करने वाला व्यक्ति ईमानदारी की बात करता है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति सच्चाई की वकालत करता है, और दूसरों को सताने वाला व्यक्ति, हिंसा करने वाला व्यक्ति सामाजिक जीवन में अहिंसा की बातें करे। ये सभी रिएक्शन फॉर्मेशन के एग्जांपल्स हैं। अब यहां पर ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के संबंध में दो बातों को जान लेना और भी आवश्यक हो जाता है। पहली चीज तो ये कि ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के अंतर्गत ये यहां पर जो बताई गई टेक्निक्स हैं और इसके अलावा भी दूसरी और टेक्निक्स हैं जो बताई गई हैं,
इन सभी टेक्निक्स में एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि रियलिटी को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, वास्तविकता को बदला जा रहा है, वास्तविकता को स्वीकार ना करते हुए उसको अपने अनुकूल अपने फेवर में चेंज किया जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जब भी कभी ईगो डिफेंस मैकेनिज्म का उपयोग होता है तो ये अनकॉन्शियसली होता है, यानी कि हम इसके प्रति जागरूक नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, बल्कि हमारे माइंड के द्वारा हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम्स में ये चीज स्वतः ही होने लगती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप सोचें कि मेरे को कौन सा ईगो डिफेंस मैकेनिज्म यहां यूज करना चाहिए और फिर आप उसे यूज करें। ये चीज स्वाभाविक रूप से स्वतः ही आपके साइकोलॉजिकल सिस्टम्स के द्वारा की जाती है।